हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मेरे जो कमिंग 2 मंथ्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी कि कैसे मैं प्रिपेयर करूँगी। बाकी आपका स्टडी तो पहले से कंटिन्यू चल रहा होगा, मेरा भी चल रहा है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो लास्ट के 2 मंथ्स रह गए हैं तो उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए और कैसे प्रिपेयर किया जाए एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसे कि मैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसमें आपको पता ही है जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसमें 13 यूनिट्स हैं। तो अब अगर हम जैसे कैलकुलेट करें तो 2 मंथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 वीक्स आगे एक इसमें, तो हमें क्या करना है कि हर एक वीक में एक यूनिट को तो लेके चलना ही है। बाकी सारे स्टूडेंट्स सारे यूनिट्स नहीं करते हैं, जैसे मेरा भी है कि मुझे जो मतलब अच्छी लगती है यूनिट्स मैं उन्हीं को प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा भी नहीं बोल सकते मतलब, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि आपको 10 to 11 यूनिट्स तो कवर करनी ही होंगी, तो मतलब मैं पूरी की पूरी 13 यूनिट्स नहीं कर रही हूँ। तो अब मेरा ये टारगेट है कि जैसे मैंने जो पढ़ लिया है उसको भी अच्छे से रिवाइज करूँ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको सॉल्व करूँ साथ साथ में। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक यूनिट के लिए एक एक जो वीक है वो मतलब डिवोट करूँ। एटलीस्ट मेरी जो यूनिट्स में है वो 10 to 11 यूनिट्स हैं, क्योंकि 11 में इसलिए बोल रही हूँ कि एक आधी यूनिट ऐसी भी है जिसके मैंने सारे टॉपिक कवर नहीं करे हैं। और मैक्सिमम हम यही करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको तो करना ही करना है, बाकी अगर आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है तो आप उनको भी अच्छे से कवर कर सकते हो। और बाकी ये है कि आप लोग की प्रेपरेशन पहले से कैसे चल रही है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कि पहले की जो आपने यूनिट स्टार्ट की हैं वो कितना कवर हो चुकी हैं, कितना नहीं हुई हैं। और अगर नहीं भी हुई है तो कोई इतना वो नहीं है, अभी नेक्स्ट उसका भी एग्ज़ाम फिर से आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी हमें ये सोच के जाना है कि हमारे पास 2 महीने हैं और हमने अच्छे से डिवोट दे मतलब अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है अपने उसके लिए, कि हम मान के चलेंगे कि हमने इस बार हमें अपना क्लियर करना है, बाकी टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। और बात साथ में स्टडी करेंगे। अब तो मेरा प्रोजेक्ट भी, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो भी अपलोड करी थी कि थोड़ा मेरा बिजी चल रहा था स्केड्यूल, क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट ओवर हो गया 31 मार्च को, तो थोड़ा लैब में बहुत सारे ऐसे काम्स होते हैं जो हैंड ओवर करने होते हैं ये सब चीज़ें, तो अब मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैं भी अब अपना नया टाइम टेबल जो है आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो कि कितना मतलब कितना मैं टाइम पढ़ रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम पढ़ना और मतलब उस टाइम में आपसे 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स 10 आवर्स कितना भी, बट वो आपको फ्रूटफुल होना चाहिए। एट द एंड आपको ऐसा लगे कि अगर आपने कोई एक टॉपिक कवर किया है तो उस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन जाए ना, तो उसका मज़ा ही अलग है। जैसे कि मान लो आपने कोई एक टॉपिक के प्रिपेयर करा, किसी भी इम्यूनोलॉजी प्रिपेयर करी फॉर एग्जाम्पल, तो आप बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स अगर आप सॉल्व करते हो, नहीं आजकल बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे भी टेस्ट सीरीज़ भी आ रही हैं सब मतलब ऑनलाइन भी मिल जाती हैं आपको, तो अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें से अगर आपके उस टॉपिक के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इसका मतलब जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। अगर नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए आपको मतलब थोड़ा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी अभी मेरा भी चल ही रहा है साथ में, तो जो भी जैसे भी रूटीन रहेगी डेली की इवनिंग की जो भी है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप भी अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है और हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, तो इसलिए जो भी है जैसा भी मतलब आपका चल रहा है शेड्यूल उसको और अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी के लिए दीजिए, कि ताकि मतलब हमें ये ना रहे कि हमने अपना 100% नहीं दिया, फिर उसके बाद जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी आपको अगर कोई भी और भी बहुत सारे जैसे मुझे वीडियोस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनका रिप्लाई भी करूं, अगर नहीं भी होता है तो मैं फिर भी कोशिश करा करूंगी कि मेरे से अच्छे से रिप्लाई, मैं उनको जो भी मेरे तरफ से कुछ भी हेल्प हो या कुछ भी हो तो मैं करूँ। और बाकी अभी हम स्टडी करते हैं, तो बस मेरा थोड़ा सा यही था कि पहले मैं आपको बता दूँ कि इन 2 महीनों में मैं कैसे कैसे अपना टारगेट कर रही हूँ। तो अब 2 ही महीने हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वीकली मैंने टारगेट कर रखा है कोई भी एक यूनिट को एक वीक में ख़त्म करने का। तो अभी अप्रैल चल पड़ा है तो अभी करते हैं कोई, जैसे मैं पहले वही टारगेट करूँगी जो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि ये वाली यूनिट जो है मेरा भी रहती है, तो उसको मैं पहले कर लूँगी कि ताकि एंड में मेरे ऊपर प्रेशर ना हो। तो जो हो गई हैं बहुत अच्छे से तो उनको तो एकदम से रिवाइज भी हो जाएंगी,
तो इसलिए मैं वाली यूनिट्स टारगेट करूँगी। बाकी आप अपने हिसाब से जो आपकी यूनिट्स कौन सी वीक हैं, कौन सी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उस हिसाब से आप देख लीजिए। बाकी मेरा मानना तो यही है कि जो थोड़ा बहुत रहता है बाद में, क्योंकि बाद में क्या होता है कि हम नए टॉपिक हमें पकड़ने नहीं चाहिए, नए टॉपिक ना स्टार्ट करने से फिर वो क्या होता है जो पहले का होता है ना वो भी ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए अभी अभी तो कर लो। एंड में क्या होता है, एंड में सिर्फ रिवाइज और क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, उन पे ही हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो भी हमने पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करो। तो इसलिए आप भी अपने मतलब देख सकते हो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बाकी मैं अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बता रही हूँ आपको कि मैं ऐसे करने वाली हूँ, तो आपको ऐसे अच्छे लगे तो आप भी कर सकते हो। और बाकी अभी करते हैं स्टडी और फिर देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ स्टडी करने और अभी रात के बज रहे हैं 11, तो मेरा टारगेट है ही कि मैं एटलीस्ट 1 बजे तक तो पढ़ूँ। तो फिर देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए।